आदाब नाजरीन, मैसूर 24 न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं सैयद आसिम अहमद एक नई खबर के साथ। मेरी वार्ड में क्या होगा तो इसमें भी सियासत शुरू हो गई है। डॉक्टर बोल रही, पूरी हुकूमत बोल रही है, डरो ना, मास्क पहनो, सैनिटाइजर लगाओ, एहतियात करो। यहाँ कोरोना में भी सियासत शुरू हो गई है। वो क्या की पिना ले को देख देख मन डर जाना, बोल दो हार्ट वाले बोलते वांछ बीमार हो जाते। भाई हमारे लीडर से भी गुजारिश करते, सियासत अभी 3.5 साल है, बात करेंगे फुर्सत से, हमें रेडी ही करना है। अब नको अपने की जान के साथ हमें खेलने का नको, डर का माहौल पैदा करने का नको। तुम्हें वो क्या पीपी किट डाल ले को गल्या गल्या फिरती, तुम्हें जाते कि मैं गन्या मुझे फोन करती, तुम्हें डरा दल रही ना भाई, कौन भी दवा मार रही सो क्या की मखोना की दवा मार डाल रही। हाँ अभी से डॉक्टर बोल रही है, हुकूमत बोल रही है, सबसे बड़ी दवा से हिम्मत, सबसे बड़ी कोरोना को दवा है तो हिम्मत है। नको अभी 3.5 साल इंशाल्लाह करेंगे सियासत, अभी कभी सियासत के मैदान में हमें रेडी माया माया अज्जू ब्रदर्स हमारे पूरी टीम रेडी है। भाई तुम ना रिक्वेस्ट है, सर का रिक्वेस्ट कर ले तो नको खत्म करो, आदमिया को हिम्मत दी है, दूसरा क्या तभी करो, राशन दियो, जाको खैर खैरत पूछो, उनकी बीमार आई उनकी जाको हॉस्पिटल को मदद करो। तुम्हें वो डर का माहौल नको पैदा करो, हर रोज कुछ ना कुछ खिदमत खल्क का एक जरिया बना हुआ है। मैं मुझे यहाँ पर बुलाने से अजीब ब्रदर्स के बारे में नहीं कह रहा हूँ, अगर आप चाहें तो फेसबुक में भी देख ले सकते हैं या पेपर को सा भी उठाकर देखें तो आपको मालूम होता है कि कितनी खिदमत कर रहे हैं। राशन किट्स के इसमें भी जो है दूसरे जो है वार्ड में एक बार दिया दो बार दिया उसके बाद खामोश हो गया। यहाँ पर मैं अब तक मैं कुछ पेपर अभी तक 20 पेपर उठा कर रखा हूँ, फिर उसके बाद से जो है पौर कार्मिकर हो या दूसरे भी जो खिदमत गुजार है उनके इसमें भी जो है उनका भी सम्मान किया गया, उनके किट्स दिए गए। फिर आज का दिन जो है मुझे अलहाज अज्जू भाई साहब जो है कल रात को फोन करके बोल मालूम कराए कि आज जो है डॉक्टर साहब शिबला के जो है इज्जत अफजाई का प्रोग्राम है, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं भी जो है अलहाज अज्जू भाई साहब से बात करकर हमारे एक छोटे से मदरसे के अंदर जो है ये खिदमत देखते हुए जो है इज्जत अफजाई करने का इरादा रख ले कर लेता। तो इनकी बात सुनने के बाद जो है मुझे खुशी महसूस, ये बल्लारी का एक इशू भी देखते रहेंगे आप, एक खड्डे में तीन तीन चार चार मैयत को ले लगा कर गिर का जेसीबी में, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक एक मैसूर का एक निजाम एक ऐसा बना, ये डॉक्टर शिराज और डॉक्टर नयाज और तहफ्फुज कब्रस्तान कमेटी और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के एक कोऑर्डिनेशन से, तो अब तक मुसलमानों को तकरीबन 60 पर 3 लोगों को हमें मदफून कर कर जो ये कर्नाटका के अंदर 2.38% है, मैसूर के अंदर 4.38% डेथ रेट है, ये इसका राज किसी को मालूम नहीं है, क्योंकि एक लूप होल्स है। ये लूप होल्स मुझे क्या समझ में आता है, हमारे मुसलमानों की निगलिजेंसी जो सही वक्त पर जाकर उसका इलाज नहीं करा रही। आखिरी वक्त में डॉक्टर साहब के पास जाती उधर वेंटिलेटर नहीं रहता या ऑक्सीजन नहीं रहता वगैरह वगैरह, अलग अलग पेशेंट बहुत ज्यादा रहते, तो एक अदबन गुजारिश ये हमारे भाइयों को पहले वक्त पर जाकर डिस्कस, जितने भी फेक न्यूज ही रूमर्स ही डराने वाले मैसेज आई आदमिया को दिल में दहशत पैदा करने वाले मैसेज आई, अल्लाह के वास्ते इसे ना देखो ना फॉरवर्ड करो, कई साथ ही रोक दो, इसे देखो ना करो फॉरवर्ड भी करो ना करो, ये क्या हो जाता है बोलेगा तो आदमिया के दिल में बीमारी से ज्यादा बीमारी का डर जगह बना बना, ये बीमारी का डर से आदमिया बहुत जने मर जा रही है। मेरे पास भी आ रही बहुत सारे पेशेंट्स जिनका इंतकाल हो रहा है, अब तक मैसूर में 90 डेथ होकर जितने भी इसमें डेथ होकर नहीं उसमें से कोरोना की वजह से लंग्स को डैमेज हो को या फिर कोरोना की वजह से किडनीज को डैमेज हो को और हो कहीं उसमें मैक्सिमम तादाद बोले तो 20 या 22, बाकी के जितने भी जने मरी या तो हार्ट अटैक होकर हुआ है या फिर कुछ अनकंट्रोल टेंशन की वजह से अनकंट्रोल शुगर बढ़ जाने की वजह से हुआ है। ये चीजें क्या बता रही है बोलेगा तो आदमी के दिल में बीमारी से ज्यादा बीमारी की दहशत है। ये बीमारी के टाइम पर डॉक्टर साहब हमारे
अल्लाह की तरफ से एक तोहफा, चंद डॉक्टर्स जो मैसूर में खिदमत कर रही, अल्लाह की तरफ से इंसानियत के वास्ते तोहफा, बाद हमारे कौम के वास्ते एक तोहफा। क्योंकि जब जब भी मुसीबत आई है अल्लाह उसका जरिया भी बनाया, अल्लाह उसका जरिया बनाकर अल्लाह उनसे खिदमत कराया। आज जब भी ये बीमारी शुरू हुई तब से ऐसी हालत लगी है, कारपेंटर साहब जमी साफ कर दी इंशाल्लाह, लाइन से करने वाले नाम जरा दूसरे सभी बेटा चेहरा बस भी बस भी खाले हमारा भी अल्लाह डॉक्टर साहब को तेज तंदुरुस्त देगा, हमारी भी उम्र उनको देखो अजमेर को बचा। डॉक्टर साहब निशांत साहब, निशांत डॉक्टर निशांत साहब, राजेंद्र नगर के डॉक्टर निशांत साहब के आते शफी पीएफपी के सदर, हमारे छोटे भाई शफी साहब जो कब्रिस्तान में उनकी टीम मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह उनकी उम्र में और उनकी तंजीम में बरकत अता फरमाए, किट पीपी किट भी दे रहे हैं उनको, उनकी पूरी टीम को हमारे कार्यकर्ता साहब की तरफ से पीपी किट एक तोहफे के तौर पर दे रही है। सर भाई हमारे कारपोरेटर साहब सभी की जानिब से गुलपोशी कर रहे हैं नोस 24 के, सर भाई कौशल भाई कौशल न्यूज मदनी के साथ देने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ सुलेमान साहब पीएफआई के सेक्रेटरी, अज्जू भी हाजी साहब की तरफ से शालपोशी कर रहे हैं। उसी के साथ साथ हमारे अयूब भाई जो खिदमत अंजाम दे रहे हैं इनके लिए भी हिम्मत अफजाई करते हुए उनको भी शालपोशी कर रहे हैं। एक्स कारपोरेटर हमारे एमडी सलीम साहब की जानिब से अयूब भाई को भी शालपोशी का इंतजाम कर रहे हैं। शबीर भी दिलखुशी कर रहे हैं हमारे रिजवान अच्छू, शफी भी दिलखुशी कर रहे हैं रिजवान अच्छू, जरा इधर इधर फिर को चलो जरा न्यूज कर भाई जरा पीछे से हटो भी जरा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। रवि ने मदन साहब को भी शालपोशी का इंतजाम कर रही है। जो भी कोरोना पेशेंट्स हमारे जो भी पॉजिटिव रिपोर्ट्स आते हैं उनको ट्रीटमेंट यही टीम कर रही है। जो सिस्टर वाणी सिस्टर, आप जन हमारा भी दूसरा है, हमारा खाली हमारा
जरा दुसरे हटा लो मैडम इनकी भी कलकृषि कर रहे हैं, कलकृषि कर रहे हैं हमारे सभी अच्छे जानिब से आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपका वक्त इस प्रोग्राम में दिया गया है। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। पूरी वार्ड नंबर 9 की तरफ से अच्छे ब्रदर्स की जानिब को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि अल्लाह ताला उनकी जान में माल में बरकत अता फरमाए, उनकी खिदमत को आगे बढ़ाए। बहुत शुक्रिया आने वाले मेहमानों को, डॉक्टरों का, उलमाए दीन का, मोहल्ले वालों का। हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपका कीमती वक्त हमने लिया और आपने लफ्ज़े कहते हुए इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया। जज़ाकअल्लाह। नाज़रीन, जैसा कि आप तमाम जानते हैं, वार्ड 9 में हमेशा किसी न किसी तौर पर एक मुनफरिद काम अंजाम दिया जाता है जो दीगर के लिए एक सबक हो। आप जैसा कि जानते हैं, यहाँ पे अजय ब्रदर्स की जानिब से हैदरअली पार्क जो मशहूर पार्क है, वहाँ पे तमाम कोरोना वॉरियर्स यानी इस वबा को लेकर जो बिना खौफ के काम करते आए हैं, खुसूसन डॉक्टर नयाज हो या यानी कि सफाई कर्मचारी से लेकर हम नाचिस जो मीडिया वाले हमारा अपना काम कर रहे हैं, उनको भी बुलाकर जिस किस्म से यहाँ पे इज्जत अफजाई की गई, जैसे कि मेरे सामने अयूब जी खड़े हुए हैं, आइए सर। अयूब, तो लावारिस लाशों को जिस तरह से कर रहे हैं, यानी सफी भाई का भी नाम लिया गया, पॉपुलर फ्रेंड की भी कोशिशों को यहाँ पे पेश किया गया। मीन जुमला मैं कहूँ तो तमाम के लिए एक तरह से इज्जत अफजाई दी गई है, हेल्थ डिपार्टमेंट से लेकर हर एक को। मैं नया सबसे बात करने वाला हूँ। सर, आपको कैसे लग रहा है? क्योंकि शुरू दिन से आप अल्हम्दुलिल्लाह आप किसी तारीफ के मुस्तहक नहीं है, फिर भी क्या आप महसूस कर रहे हैं? आप अल्लाह का करम है। अब मैं यहाँ के सारे जिम्मेदारान का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं शुक्रिया इसलिए अदा करता हूँ, पहले जाती तौर पर आप लोगों ने मुझे इज्जत के लायक समझा, तो मेरी हैसियत इतनी नहीं कि मैं यहाँ पर आऊँ, आप लोगों ने इज्जत के लायक समझा, आप लोगों का शुक्रिया। लेकिन इससे बड़ी बात शुक्रिया आपका इसलिए अदा कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों ने इस प्रोग्राम से एक आवाम को एक पैगाम पहुंचाने की, उनको एक पूरे इसके आवाम को इस कोरोना के बारे में एक अवेयरनेस प्रोग्राम क्रिएट करने की जो कोशिश है, इसमें मुझे बड़ी मसरत हुई, बड़ी खुशी हुई। अल्लाह आप लोगों की ताकत और हिम्मत बढ़ाए और आवाम में इस बात का और पुरजोर तरीके से ये करें कि पहले आकर थोड़ी भी बुखार है, थोड़ी खांसी है, कुछ भी थोड़ा भी तकलीफ है, सबसे पहले हॉस्पिटल आए और अपना टेस्ट करवाएं। पॉजिटिव आए, नेगेटिव आए, अल्लाह की मर्जी है, जो भी होता है। बहरहाल हम लोग खिदमत के लिए तैयार हैं, जो हमसे बन पड़ता है करेंगे। अल्लाह आप लोगों को मैं ये करता हूँ, जो आप लोगों से अपील करता हूँ, अल्लाह आप लोगों को इस बात की हिदायत दे कि आप लोग दूसरों को भी इस बात पर अमल दरामद करें कि सबसे पहले आकर जल्दी से जल्दी टेस्ट कराएं। सीरियस बन के लास्ट में हॉस्पिटल आने से बेहतर है कि थोड़े थोड़े तकलीफ में ही हॉस्पिटल आकर इलाज को लेकर एक आखिरी सवाल है। आज अल्हम्दुलिल्लाह
पूरी टीम की कमीशन जिसके आप सरपरस्ती कर रहे थे, आज क्वारंटीन सेंटर खुल गया है, डिप्टी कमिश्नर साहब आए थे, आप भी साथ में थे, कैसे महसूस कर रहे हैं? हम लोग होम फील करेंगे अब। अल्लाह का एहसान है कि हमारे मोहल्ले में एक पहली बार कर्नाटक ही नहीं पूरे मुल्क में एक मिसाल के तौर पर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, गवर्नमेंट और आवाम खुद मिलकर एक सेंटर हम लोगों ने आज शुरू किया। उसके बाद अब कल से इंशाल्लाह एंडलस का भी शुरू होने का है, उसके बाद बीडी हॉस्पिटल में एक शुरू होने का है, उसके बाद मैं हमारे यहाँ के कॉरपोरेटर हमारे समी भाई से बात कर रहा था कि अगर आप लोग टाउन करें तो इस एरिया में एक आध कोई शादी महल को लेकर हम लोग कन्वर्ट करके उसे भी कोविड केयर सेंटर बनाने की हमारी कोशिश रहेगी। इंशाल्लाह दुआ करिए कि ये जो हमारी कोशिशें हैं अल्लाह इसमें ताकत दे और लोगों को और सेहत फराहम करने में हमारी मदद करे। जैसा कि डिप्टी कमिश्नर ने खुद कहा कि ये मैसूर में जो कर रहे हैं वो एक मिसाल हो सकता है पूरे इंडिया के लिए, मिसाल है। और जो हमारे यहाँ पे एक्टिव सर्वेलेंस हुआ इस हफ्ते, जो हर एरिया में घर घर जाकर टेस्ट करने का जो प्रोग्राम हुआ, उसमें भी अल्लाह ने हमें बहुत बड़ी कामयाबी अता की है और लोगों में एक तरीके का अवेयरनेस भी पैदा हुआ और बहुत सारे लोग पॉजिटिव भी आए। पांच दिन में हमारे इस छोटे से ये इलाके में, एक हल्के में हमारे पास 200-250 लोग पॉजिटिव आए हैं। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि हम लोग उनको पहचान पाए जल्दी और उनको इसमें से मोहल्लों से बाहर निकालकर कोविड केयर सेंटर में शिफ्ट करने की हमारी कोशिश। ठीक है, जज़ाकअल्लाह। और बहुत सारे लोगों के घर ये आदत बन गई है, मैं समझता हूँ कि थोड़ा भी प्रॉब्लम हो रहा है लोग ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेने जा रहे हैं और ऑक्सीजन सिलेंडर घर में लाके कर रहे हैं। अल्लाह के वास्ते ये मत कीजिए, ऑक्सीजन जितना सेहत के लिए जरूरी है उतना ही खतरनाक होगा अगर आप गैर जरूरी तौर पर उसको इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए ऑक्सीजन का इसके बजाय सीधा आप पहले महकमे सेहत के इदारों में जाएं, हमारे डॉक्टर्स हैं आपके यहाँ पे, लोकल हमारे डॉक्टर निशांत भी हैं, आप उनसे रब्ता कायम करें, वो भी आपकी खिदमत के लिए अमल दरामद है। इंशाल्लाह पहले अगर आप हमारे पास आएंगे तो आपकी खिदमत करने का हमें मौका सही रहेगा और आपकी सेहत भी इम्प्रूव करने की हमारी ताकत। अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है कि मैसूर में जब से बीमारी आई है बहुत से लोग खिदमत में लगे, उसी तरह हमारे डॉक्टर नयाज, डॉक्टर सिराज इन सब खिदमत में लगे हैं, इसी तरह हमारे केएफडी के जो नौजवान कब्रिस्तान में, हमारे पीएफआई के जो नौजवान खिदमत कर रहे हैं शरीयत के हिसाब से मौत मट्टी का कर रहे हैं, आज हम सब फिक्र कर हमारे कारपेटरों में तो अच्छे प्रदर्श टीम मिलकर आज उनकी हिम्मत अफजाई करना, इस मुसीबत के टाइम पर कौम के साथ जो खड़े हैं, जो हिम्मत बने हैं, जो खिदमत कर रहे हैं, आज उनके रिश्तेदार नहीं आ रहे मौतमट्टी को, वैसे टाइम पर जाकर मौतमट्टी का जो बेड़ा शरीयत के हिसाब से उठाए, मैं मैसूर के तरफ से और हमारे मोहल्ले के तरफ से सारे जितने भी खिदमत में लगे उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये बीमारी को अल्लाह जड़ से जड़ निकाल कर और पहले कैसा माहौल था वैसा होने की मैं दुआ करता हूँ। हमारे डिप्टी मेयर भी इस जब से शुरू हुआ है, डिप्टी मेयर हमारे समी कारपेटर जितने भी मेयर सब क्या कर रही हो तो अपनी जान की बाजी लगाते हुए अपने एरियो में और मैसूर में खिदमत करें, अल्लाह उनको और हिम्मत ताकत अता फरमाए और बीमारी को जड़ से अल्लाह जल्दी निकाले। शुक्रिया सर। सर इवतन अग्नि प्रदर्शन टीम इवतु कार्यक्रम अंदर वारियर्स के सन्मान मेरे कार्यक्रम इवर नो इन जन मुदे बंदी ऐन करोना पॉजिटिव केसस् गुर्स के अनुकूल आगे मत एलूदे सोशल डिस्टेंस मेंटेन मास्क जन जास्तू सेरबार्तने केकोती एन आर कॉन्स्टिट्यूंसी मदद स्वल्प हिंदू प्रदेश आगे तुम जन इंत प्रदेश आलरे 20% सौंड पॉजिटिव टेस्टिंग इन पॉजिटिव बंदे अद्विद दयमी ऐनकोबार्ड ऐने फस्ट सिमटम्स बंद दयमी हास्पिटल कॉन्सल्टी नम कॉर्पोरेशन कॉर्पोरेटर कॉन्सल्टी जन मुदे बंद जल्दी जल्दी ना बीमारी इलाज मोदी लेट आगोदू तौंद आगे दयमी मन बंद यार सिमटम्स बंद फस्ट टेस्ट मेनू आगोद धैर्य अंत समीर मेर को सन्मान करेंगे दोसिया नगर हमारे डिप्टी मेयर तुम्हारे बाजू की बाड़ वाले
हमारा तो वार्ड का मैंने है नहीं। क्या थी रात बोलो। अच्छा नंबर रख लेक्शन साहब। वार्ड में है नहीं। नहीं नो पूरे मैसूर को डिप्टी मेयर बोलो क्या भी निकल जाए। नंबर एक मैं तोड़ लेना। नंबर लेक फोन करो तुम्हारे ये ना इधर दही नहीं बंदा इधर का खुला है सर। अगर मौका पड़े तो कैसे में भी आप कॉपरेट करने तैयार है सर। पांच महीने से फर्स्ट मैसूर के अंदर साठ पो पांच वार्ड एरिया में मेरा एक एरिया ये कोविड के ताल्लुक से कॉपरेट करे। सो आपको मालूम है केएमडीसी की जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है हमारी, जब से ये दिल्ली में इसके उसका सब मसला शुरू हुआ, जब डीसी साहब से मुझे बात करे समय हमें क्वारंटाइन सेंटर बना दिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बीमारी किसी भी जात पात देख पाती नहीं कर पा। तब से भी हमारा मोहल्ला ताउन कर पा। आज भी मैं डीसी साहब को परसों भी बात कर रहा मैं, अगर यहाँ बनाती है तो फर्स्ट पीपल मेरे एरिया वाले को जो मेरे वाले एरिया वाले को कहा दूसरी जगह रखना, दूसरे एरिया वाले यहाँ रखना। अल्हम्दुलिल्लाह हमें कभी हमारे एरिया की तरफ से हमें कभी कानून की खिदमत करने के लिए तैयार ही। यहाँ बनाए तो फर्स्ट आजू बाजू के एरिया, मेरा एरिया का खाली खेसरानी सुभाष नगर होंगे, हनुमंत नगर, बड़ा मकान इसे नजदीक होता है, सिद्दीक नगर है इसे नजदीक होता है, अल्हम्दुलिल्लाह को ये भरपूर यूज कर सकते हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसे लेको मशुरा करे, साहबा को लेको मशुरा करे। मेरे दोस्तों बगैर मशुरे के कोई काम ये चार भाई अब तक करे नहीं। मैं गवाह हूँ, 16 साल इनके पीछे मैं दोस्ती कर गई इनकी, अब तक अल्लाह गवाह है। मैं पलक मारने के बराबर भी हटिया नहीं मैं इनसे, अल्लाह हटाए नहीं मंजे रखे ही। हर काम अल्लाह तू इनको एक नियामत दिया है, खुदा है पर क्या नियामत दिया है अल्लाह, हर काम मशुरे से करती। ये अल्लाह को पसंद अमल, अल्लाह का पसंदीदा अमल, और नबी खुश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी काम करते हैं और सहाबा को लेकर मशुरा करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत अल्लाह जले जलाले हो मने वाले हो, अल्लाह जो भी काम करते हैं फरिश्ते को लेकर मशुरा करते हैं। अब ये चार भाइयां क्या भी काम करना तो बगैर मशुरे के अब तक करे नहीं, बगैर मशुरे में हम ना बुलाने के कोई काम उन्होंने करे नहीं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों अजीजों बात कुछ समझो, मार्च में मुझे अजू भाई बुला भेजे, मैं गया क्या अजू भाई हजरत ऐसा बंद होगा ना खाने पीने के, लोगों को तकलीफ हो क्या करना है, शुरू करो बांटना रमजान में, बांटने का आप बांटो रमजान से नहीं क्या ज्यादा अब मिलती है। मेरे अजीजों दोस्तों कितने महीने हुआ, पांच महीने अभी बांटने का बंद हुआ नहीं, बांटने का अभी बंद हुआ नहीं, बांट ले कुछ अभी। मेरे दोस्तों थगे नहीं उन्हों, अल्लाह माल तू दे, खुदा माल दे रहा है तुझे, तेरे नाम पर खर्च कर रही, तेरे बन जाएंगे जरूरत पूरी कर रही, तेरे गरीब बन जाएंगे निगे कर रही, तेरे गरीब बन जाएंगे मदद कर रही। मेरे अजीजों दोस्तों आज हमें जिसके पीछे हमें पड़े हैं मेरे दोस्तों उनको उनके लिए हमें दुआ करना है, हमारी जरूरी है हमें दुआ करना। जब तक हमें दुआ नहीं करते ये बीमारी अल्लाह पाक नहीं करते, अल्लाह को हमें मनवाना है। मेरे अजीजों दोस्तों दुनिया में जितनी इंसानियत है सब आदम के औलाद है। हजरत एहतियात के तौर से दो बात बोलना है। हाँ जी, उसके लिए एहतियात करो, बीमारी को हटाना है तो दुआ करो, अल्लाह को खुश करो, नबी को राजी करो, नबी के तरीके जिंदगी में लो, परहेजगारी करो, गवर्नमेंट जो बोल रहे उसे मानो। हमें मास्क डालना जरूरी है और हमें उन्होंने क्या क्या बोल रही वो हमें करना जरूरी है। जब अल्लाह पाक हमारे से राजी होकर बीमारी को कम करते हैं सो मेरे दोस्तों आज हमें जो भी कर रहे हैं वो हमें अल्लाह को राजी करने के लिए करेंगे, नियत करेंगे अल्लाह बीमारी को दूर कर। अल्लाह से दुआ है कि आई हुई बीमारी जल्द से जल्द दुनिया से और हमारे मुल्क से और हमारे मैसूर से हर जगह से खत्म होने के वास्ते है। मैं सारे मोमिन मुसलमानों से गुजारिश करता हूँ कि आप दो रकात नमाज पढ़कर ये बीमारी जाने के लिए दुआ करें। और आज ये वजह फंक्शन आज तो बाबा मरगा तो बेटा खाना नहीं देता, नहीं मर्द मरगा तो जो लोग बच्चे बेटा मरगा तो बाबा छप जा रहे थे। आज ये माहौल पैदा हुआ, ये माहौल पैदा होने के बाद जो हमारे डॉक्टर से उन्होंने भी बीवी बच्चे फैमिली वाले जो ये कूड़ा कर्मी कर रहे हैं उन्होंने भी फैमिली वाले जो हमारा कारपेट है उन्हें तो वही बड़ी फैमिली वाला उसके बावजूद जो ऑफ इंडिया के नौजवान आई उन्होंने तारीख के काबिल काम कर जब ये लोग सब भाग जा रही है तो उन्होंने जो डॉक्टर्स को माइक्राम को लेकर लेकिन इज्जत अफजाई के साथ जो शरीयत के हिसाब से तुमने अभी अल्लाह ये नेकी की और मेरी तो तुमसे दुआ है अल्लाह उनके हर चीज़ से हिफाजत करे। और दूसरी बात जो डॉक्टर्स कुर्बानी दे रही वो भी काबिल तारीफ है। आज ये माहौल इसलिए बनाए कि हमारी नेकी की वजह से उलमा इकराम भी बोले और डॉक्टर साहब भी बोले। 90 में 20 करोना वायरस 70 डर को मर गई
के डर छोड़ डालो तुम्हें, अल्लाह हर चीज़ की हिफाजत करने वाला, तुम्हें शरीयत जानते रहते हो, एक अल्लाह एक रसूल को मानते रहते हो, तुम्हें शरीयत को यकीन रखना, जिस दिन हमें पैदा हुए उस दिन हमारी मौत को और हयाती रिस्क से सब लिख डाले, जब तक वो रहता तब तक दुनिया में रहती सो, कलम टूट गए वो, दुआ एक किस तकदीर बदलाते सो, दुआ के सामने तकदीर बदलते सो, दुआ करो तुम्हें, दूसरे बेकार बातें घर को घर में दवा लेना नहीं सुना, खासकर मैं नौजवानों से मेरी माँ बहनों से गुजारिश कर लूँ कि छोटी मोटी सर्दी खांसी ये सब ये सीजन में आने वाली, तुम्हें जाको तबका तब दिखाना, दवा लेना, डरना नहीं, डर को रोना नहीं, और खासकर मेरे हमारे मोहल्ले में वार्ड नंबर 9 में जो ये कोरोना वायरस को लेकर जो चंद लीडर सियासत कर रही, अल्लाह का वास्ता मोहल्ले वाले का वास्ता तुम ना ये बंद करो, तुम्हें पीपी डालने को पानी भरने को क्या फोटो डालने गवा मर गए, डर को चार पाँच जने मर गई कर दो, मेरा दिल बोल रहा ये सब बंद कर दो, हाँ तुम्हें खिदमत करो, बहुत खुशी होती है, गरीबों को राशन दियो, हॉस्पिटल में जाकर देखो, दवाइयाँ दिलाओ, वो पॉपुलर फंड ऑफ इंडिया के लड़के जो पीपी किट पहन को दफना रही, तुमना उतना शौक पीपी किट पहनने का रहा तो उनके जोड़ में जम जाको, जाको एक दो मुंह दफना, ये बेकार का छोड़ो, कॉर्पोरेशन गवर्नमेंट काम कर रही है, सुबह उठे तो सैनिटाइजर कर रही, कचरा पाक करा रही, हर चीज में 24 घंटे 24 आवर्स मैं छाती पर हाथ रखता हूँ, दिन से शान से बोल सकता हूँ, जिस दिन लॉकडाउन हुआ उस दिन से अज्जू ब्रदर्स टीम कारपेट अज्जू ब्रदर्स टीम के पूरे नौजवान 24 घंटे वार्ड के अंदर वर्क कर रही, हमें क्या भी 4 महीने के बाद निकल के नहीं, पहले दिन से हमें वर्क कर रही, अल्लाह मैं मोहल्ले वाले से गुजारिश कर दूँ, इलेक्शन जीतने के वास्ते दौलत के वास्ते हम दुआ करना को, ये आइए जो बीमारी ये खिदमत करने के वास्ते हमारी सेहत तंदुरुस्ती के वास्ते, खासकर मेरे भाई समीउल्लाह कारपेटी के वास्ते पूरे जने उसे बोल रही, घर में बैठो रेस्ट ले लो, को हमें नहीं बोलते, जान अल्लाह की खिदमत कर, अल्लाह इस काजर हमारे मरे हुए अम्मा बाबा को और हमारे खानदान को और हमारे मोहल्ले वाले को हमें उसे हिम्मत देखो, 24x काम करा रही, उन्हें 2 घंटे टाइम सो रहा है, 2 घंटे नाटक नहीं कर रही है, हमें नाटक पसंद नहीं, तुम्हारे लोगों से गुजारिश कर दूँ, ये टाइम ये फोको ये बीमारी भगाने का टाइम, तुम्हें कचरा के फोटो ले ले को, नाटक कर ले को, वो क्या की कर ले को, कर ले को, कोरोना को फौन की खिदमत करो, आओ कौन बीमार है उसे देखेंगे, क्या हमारा उससे मदद करेंगे, ये सब छोड़ डालो, ये सब छोड़ को तुम्हें हमारे साथ जमो, नहीं तो हम ना तुम्हारे साथ बुला लो, हमें काम करने रेडी है, आवाम को बचाने का टीम है, ये सियासत बंद कर दो, अच्छी आदत सीखो, अच्छा मोहल्ला बनेंगे कर दो, लीडर से और मेरा मोहल्ला वाले से गुजारिश कर दो, ऐसे में कौन की इज्जत बचाने के जरिए मैं सुनाना चाहता हूँ, आपका इनसे शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारे परिश्रम के आदतों में ये लोगों को पानी पहुँचे, आपका आपको भी अल्लाह से आपकी उम्र में ही बरकत दी।